नमस्कार दर्शकों, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों से परिपूर्ण हमारे एक नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक मानसिक बीमारी के बारे में, जिसे हम हिंदी में अवसाद कहते हैं और अंग्रेजी में डिप्रेशन। यह बीमारी दुनिया भर में अगर आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो तीसरे नंबर पर आती है जिससे लोग पीड़ित हैं। तो यह बीमारी होती क्यों है और इसको हम कैसे पहचान सकते हैं और इसकी किस तरह की इलाज चिकित्सा क्षेत्र में उपलब्ध हैं, हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहर के जाने माने होम्योपैथ एवं लेखक डॉक्टर प्रमोद शंकर सोनी। डॉक्टर प्रमोद ने डिप्रेशन विषय पर एक के बाद एक तीन पुस्तकें लिखी हैं जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं। डिप्रेशन के बारे में डॉक्टर प्रमोद से हम और अधिक जानकारी जानते हैं कि ये बीमारी होती क्या है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर प्रमोद का स्वागत करते हैं। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो डिप्रेशन है, जिस पर आपने काफ़ी काम किया हुआ है, पुस्तकें भी लिखी हुई हैं, काफ़ी आप पेशेंट्स को भी देखते हैं, तो ये डिप्रेशन को अगर हम एक आम व्यक्ति की भाषा में बात करें तो ये क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी, और जानकारी अगर है भी तो वो इस संबंध में बात करने से डरते हैं। अगर आप डिप्रेशन को या अवसाद को एक आम भाषा में कहें तो डिप्रेशन मतलब एक ऐसी उदासी जो लंबे समय तक चली आती है। इसको हम केवल उदासी ना बोल के एक दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं कि एक खालीपन, एक ऐसा एहसास कि जिसमें आपको कोई चीज़ें कभी अच्छी नहीं लगती है, आपको हमेशा सूनापन लगता है, आपको जिन चीज़ों में पहले रुचि थी वो रुचि से आप विमुख हो जाते हो, आपको नींद या तो बहुत कम आती है या बिल्कुल नहीं आती है, या आती है तो बहुत ज़्यादा आती है। तो इस तरह की चीज़ें जब लगातार चलती हैं तो उन्हें हम अवसाद के रूप में निरूपित करते हैं। जी जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया कि लेमैन की भाषा में हम किस तरह से इसको समझते हैं। अगर हम चिकित्सीय क्षेत्र की बात करें, अगर डॉक्टरी की भाषा जो कहा जाता है जी, तो उसमें डिप्रेशन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, डिप्रेशन, अगर क्लिनिकल डिप्रेशन के बारे में हम बात करें तो क्लिनिकल डिप्रेशन को उसी समय इसका डायग्नोसिस होता है कि एक ऐसी उदासी, एक ऐसा रोना, एक ऐसी एम्प्टीनेस जो दो सप्ताह या उससे ज़्यादा तक लगातार बनी रहे, तब हम इसको क्लिनिकल डिप्रेशन के रूप में समझ पाते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर हम देखें तो लोग मोटे तौर पर अगर डिप्रेशन की बात करें या अवसाद की बात करें तो लोग, जो आपने भी डिफाइन किया कि उदासी होती है, काम में मन नहीं लगना होता है, जो रुचि की चीज़ होती है वो आप से छूट रही होती हैं, आप विमुख हो रहे होते हैं, तो क्या ये ही दो बातों को हम मान सकते हैं कि डिप्रेशन है, या इसके और भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो आप हमारे थोड़े दर्शकों को इस बारे में जागरूक कीजिए। जी देखिए, अगर हम एक लेमैन के दृष्टिकोण से देखें तो लंबे समय तक उदास रहना, खालीपन और किसी काम में मन नहीं लगना को ही हम डिप्रेशन बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वजह भी होती हैं जिनको जिनसे हम डिप्रेशन को पहचान तो नहीं सकते, लेकिन वो डिप्रेशन का कारण जरूर बन जाते हैं। जैसे बिना मतलब की चिड़चिड़ाहट होना, बिना मतलब का लाइक गुस्सा होना, जिन चीज़ों में आप पहले बहुत इंटरेस्ट लेते थे उनसे बिल्कुल आपकी रुचि हट जाना, जैसे कि पहले आपको गाने सुनने का शौक हुआ करता था, आपको खेलकूद में मज़ा आता था, आपके सेक्स में रुचि थी, वो सारी चीज़ें एकदम से आपकी समाप्त हो जाना, तो ये भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन को बताते हैं। अब जैसे बच्चे अपने मुँह से तो बताएंगे नहीं कि मम्मी हमें अच्छा नहीं लग रहा है या हमको डिप्रेशन हो रहा है, वो अपनी उदासी को एक दूसरे तरीके से अपने माता पिता के सामने प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन होना, खाना नहीं खाना, बात बात पे सामान को फेंक देना, उद्दंड हो जाना, तो ये भी डिप्रेशन को ही कहीं ना कहीं इंगित करते हैं। जी जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने डिप्रेशन के प्रकार भी बता दिए और कुछ लक्षण भी बता दिए जी, तो अगर और हम डीप में जाएं तो इसके अलावा और ऐसे कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जिससे हम ये समझ सकें कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो रहा है? देखिए, वैसे ये मोटे तौर पे थे जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं, ये सबसे अहम रोल अदा करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि व्यक्ति समाज से कटने लगे, पहले जैसे वो पार्टीज़ में जाया करता था, अपने फ्रेंड से मिलता था, परिवार वालों से मिलता था, उनसे एकदम कटने लगे, बहुत ज़्यादा सोने लगे, कमरे में अकेला रहने लगे,
उसकी रुचि जैसे जिन कामों में पहले वो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया करता था, उन सबसे भागने लगे वो, उसको एक ऐसा खालीपन रहने लगे, अकेला रह के वो ज़्यादा समय बिताने लगे, तो ये भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर इंगित करते हैं, जिसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, ये एक बात और आती है कि कई बार कहा जाता है कि जो डिप्रेशन होता है, तो आपने जैसे बताया कि एक या दो वीक से ज़्यादा अगर खिंचता है तो हम उसको डिप्रेशन की श्रेणी में ले लेते हैं, तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टेम्परेरी भी हमारे मूड डिसऑर्डर्स होते हैं और हम उस समय विशेष के लिए चिंतित हो जाते हैं या उस डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो क्या ये भी एक डिप्रेशन का कारण, ये प्रकार है, या इसको आप कुछ और दृष्टि से देखते हैं? देखिए, अगर आप, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर क्लिनिकल डिप्रेशन की बात की जाए, जो कि एक मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है, जिसको कि एक रियल डिप्रेशन कहते हैं या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के रूप में जिसको हम बताते हैं, वो ऐसा तो नहीं होता है, इस तरीके के मूड स्विंग्स या इस तरीके की कुछ समय की उदासी, जैसे एक दो दिन रही, आपने कोई ख़राब न्यूज़ सुन ली या आपको कहीं असफलता मिल गई, परिवार में कोई विवाद हो गया, तो दो तीन दिन इस तरीके की सिचुएशन रहना को डिप्रेशन नहीं कहते हैं, ये एक नॉर्मल सिचुएशनल डिप्रेशन इसको कहा जा सकता है, कुछ समय की उदासी कह सकती है। जैसे कि लड़कियों और महिलाओं के साथ ये बहुत होता है, जब उनके पीरियड्स चलते हैं तो उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो 3 से 4 दिन रहते हैं, फिर अपने आप ठीक हो जाते हैं, तो इसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन ना कह के एक सीजनल, लाइक एक कुछ समय के लिए रहने वाले टेम्परेरी फेज, जिसको टेम्परेरी फेज कह सकते हैं, जो ऑफ एंड ऑन आती है, चली जाती है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, अब इसके बाद बात ये आती है कि अगर हम डिप्रेशन की चर्चा कर रहे हैं, अवसाद की बात कर रहे हैं, तो इसका कोई उम्र विशेष पर असर होता है या किसी भी उम्र में ये होता है? देखिए, एक समय में माना जाता था कि डिप्रेशन जो होता है वो वृद्धों को ज़्यादा होता है, क्योंकि उस समय उनको अकेलापन हो जाता है, लेकिन आज पूरी तरीके से सिनेरियो बदल गया है। आज के ज़माने में डिप्रेशन एक बच्चे को भी, एक 5 साल के बच्चे में भी डिप्रेशन पाया जाता है, एक यूथ में तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया, उसको इतने सारे प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, फिर जॉब की टेंशन रहती है। वहीं महिलाओं के लिए एक अलग डिप्रेशन का कारण बन गया है, वृद्धों के लिए अलग डिप्रेशन का कारण बन गया है। तो आज इस बात को लाइक एक उसको कैटेगराइज करना कि भाई डिप्रेशन हैपेंस इन दिस पर्टिकुलर एज, ये हम नहीं मानेंगे। डिप्रेशन आज के ज़माने में किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है, तो इसको हम उम्र की सीमाओं से ना बांधते हुए एक जनरल व्यू में देखें तो डिप्रेशन आज के ज़माने में किसी को भी हो सकता है। सबसे खास बात है उसको पहचानने की। जी। तो डॉक्टर साहब, अब हमने जब चर्चा कर ली है कि किसी भी उम्र विशेष में हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, तो लोगों के दिमाग में आता है कि सबसे पहले हम दौड़ लगाते हैं कि सब एलोपैथ की तरफ जाते हैं जी, और उसके बाद फिर हम अदर पैथीज को अपनाते हैं जी, लेकिन होम्योपैथ कितनी कारगर है इस मामले में? हम आप चूंकि होम्योपैथ के विशेषज्ञ हैं, तो हम तो आप ही की पैथी के बारे में चर्चा करेंगे जी, तो होम्योपैथ में इस डिप्रेशन को लेकर के किस तरह के उपचार उपलब्ध हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं। होम्योपैथी की चर्चा करने के पहले मैं आप सभी को एक खास बात बता देना चाहता हूँ कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इसका, वो है डिप्रेशन को पहचानना, क्योंकि बहुत सारे लोग तो डिप्रेशन किसी व्यक्ति को हो रहा है वो यही नहीं पहचान पाते, और उसका निदान करते हैं सबसे पहले उसके खास दोस्त या उसके परिवार वाले। तो किसी भी परिवार वाले का ये दोस्त का कर्तव्य होना चाहिए कि अगर वो इस तरीके के लक्षण अपने मित्र में देख रहा है तो वो तुरंत उसको चिकित्सीय सहायता पहुँचाए। एक जनरल फिजिशियन जो एक आपका एक पर्सनल डॉक्टर होता है, वही इस बारे में आपको बता सकता है, और अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं समस्या गंभीर है, तो वो आपको सबसे पहले मनोचिकित्सक या साइकेट्रिस्ट के पास भेजता है। अब देखिए, हमारे यहाँ मनोचिकित्सक के पास जाने में भी लोग घबराते हैं, वो लोग समझते हैं कि आप पागल हो गए हैं तभी मनोचिकित्सक की जरूरत है, उनको एक स्टिग्मा टाइप का लगता है कि वी विल बी लेबल्ड एज द बीइंग मैड, तो एक उसके कारण भी डरते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अगर आपको इस तरह की कोई समस्या हो रही है तो मनोचिकित्सक से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि एक मनोचिकित्सक जो कि क्लिनिकली इन सारी चीज़ों का एक्सपर्ट होता है, वो इसका निदान सबसे अच्छा करता है कि आपको डिप्रेशन है कि कोई दूसरी चीज़, क्योंकि डिप्रेशन के भी बहुत प्रकार होते हैं, डिप्रेशन एक प्रकार का नहीं होता है।
हो सकता है किन्हीं लोगों को साइकोटिक डिप्रेशन हो, साइकोटिक डिप्रेशन में इंसान उसका कॉग्निटिव बिहेवियर या बोधात्मक क्षमता पे भी फर्क पड़ जाता है। एक नॉर्मल डिप्रेशन होता है जिसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं, जिसके बारे में भी हमने चर्चा की है। एक सीजनल डिप्रेशन भी होता है। तो एक मनोचिकित्सक ही इन सारी चीज़ों के बारे में सही तरीके से बता सकता है, उसको डिफरेंशिएट कर सकता है कि आप वाकई में उस कैटेगरी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या जो पर्टिकुलर कैटेगरी है तो उसका क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो ये एक मनोचिकित्सक ही आपको बता सकता है। तो मनोचिकित्सक के बाद जाने में किसी भी तरीके की संकोच नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बता देना चाहूंगा कि अधिकतर लोगों को ये गलत फहमी है कि डिप्रेशन के इलाज में या किसी भी तरीके के मानसिक इलाज में रोगी को केवल सोने की ही दवाई दी जाती। ये इतना बुरी भ्रांति लोगों के दिमाग में आ गई है, जिसके कारण अधिकतर लोग तो डॉक्टर के पास जाने से ही डरते हैं। मैं आपको बता दूं कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में इतनी बेहतरीन दवाइयां आ गई हैं। चूंकि मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूं, लेकिन उसके बावजूद ही मैं आपको एलोपैथी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जैसे सेलेक्टिव, चूंकि मुझे एलोपैथी की भी काफ़ी जानकारी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलोपैथी में जिस तरीके की सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिप्टेक इनहिबिटर SSRI दवाइयाँ हैं, वो बहुत सेफ होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इसे चिकित्सीय सहायता में भी लेना चाहिए। तो आपको अगर इनके कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स तो नहीं होते? बिल्कुल नहीं। अगर आपको एक अच्छा मनोचिकित्सक मिला है और अगर आपकी चिकित्सा एक अच्छे व्यक्ति के हाथ से हो रही है, तो आप सच मानिए कि आपको किसी भी तरीके के दवाइयों के कोई दुष्प्रभाव नहीं होंगे। वैसे तो शुरू शुरू में अगर जैसे किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही, तो नींद की दवाई देना उसको उसके ट्रैकुलिटी ऑफ माइंड के लिए जरूरी होता है, तो वो कुछ समय के लिए दी जा सकती है। लेकिन जो लंबे समय के लिए जो दवाइयां दी जाती है, वो कहीं से कहीं तक घातक नहीं होती, ना ही आपके ऊपर किसी तरीके का दुष्प्रभाव छोड़ती है। तो इस बात से आप एश्योर हो जाइए कि भाई मनोचिकित्सक के पास जाने से ऐसा ऐसा हो सकता है। रहा सवाल आपके दूसरे प्रश्न का कि होम्योपैथी में, आपने जो प्रश्न पूछा था कि होम्योपैथी में इस तरीके की, तो निश्चित रूप से होम्योपैथी में भी इन सारी चीजों का बहुत अच्छा इलाज है। लेकिन होम्योपैथी में एक दुविधा इस बात की होती है कि व्यक्ति की पूरी पर्सनालिटी को, उसके जीन्स को, उसके जेनेटिक्स को, उसकी फैमिली ट्री को समझना जरूरी होता है। क्योंकि दवाइयां तो बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति में उतना पेशेंस नहीं होता है कि उन दवाइयों को लेने के लिए तैयार हो पाए। तो दवाइयाँ काफी अच्छी हैं। अगर आप कहें तो मैं कुछ दवाइयों के नाम अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। निश्चित रूप से बताइएगा जी। लेकिन हम दर्शकों से निवेदन करेंगे कि सेल्फ ट्रीटमेंट पर ना जाएं। बिल्कुल, ओवर द काउंटर जाकर के इन दवाओं का इस्तेमाल ना करें। होम्योपैथी में जैसे कुछ कॉमन मेडिसिन है जो बहुत ही जैसे अगर किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा सुसाइडल फीलिंग्स आ रही हैं, व्यक्ति में आत्महत्या की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो उस समय ऑरम मैट नाम की, जो कि सोने से बनती है, ये दवाई मैं आपको जानबूझ के इसकी पोटेंशियल नहीं बताऊंगा, ताकि आप इसको सेल्फ मेडिकेट ना कर सकें। बेहतर होगा कि आप किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलके ही इसका इलाज कराएं। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप में आत्महत्या की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति आ रही है, बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, तो ऑरम मैट उसमें बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। एग्जाम फोबिया हो रहा है आपको, परीक्षा देने के समय आप में बेचैनी बहुत बढ़ गई है, या उसके कारण आपको उदासी छा रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम और जेलिसिमियम नाम की जो दवाइयां हैं, आप चाहे तो जब आपका ये आएगा तो आप उसमें स्ट्रिप चला दीजिएगा, तो हमारे दर्शक इसको देख भी पाएंगे। तो जेलिसिमियम और अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह की एक मेडिसिन होती है जिसका नाम एथूजा है। सारी दवाइयों के बारे में मैं आपको बाद में बता भी दूंगा। एथूजा भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो गया हो और आप में हिम्मत ही नहीं बची हुई हो परिस्थिति का सामने करने की, तो लाइकोपोडेम भी बहुत अच्छी मेडिसिन। इसी तरीके से इग्नेशिया हुई, आर्सेनिक एल्ब हुई, कालीफॉस हुई, ये सारी दवाइयाँ होम्योपैथी की कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो बिना किसी दुष्प्रभाव के बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखाती हैं। तो लेकिन मेरा फिर से आपसे अनुरोध रहेगा कि आप किसी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर की निर्देशन में ही ये सारी दवाइयां ले, क्योंकि इन दवाइयों का नाम पढ़ना, इनको समझना तो बहुत आसान होता है, लेकिन सबसे खास बात होती है कि इन दवाइयों को किस पोटेंसी में, कितने ड्यूरेशन तक, कब और कैसे देना है। जी, अधिकतर लोग खुद तो दवाई लेने लगते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि हमें किस पोटेंसी की दवाई का कब तक प्रयोग करना है। जी, कई बार ओवर यूज से भी दुष्प्रभाव आ सकते हैं। वैसे तो नहीं आते, लेकिन हाँ भाई, जो दवाई
फ़ायदा करती है, तो कहीं ना कहीं उसके दुष्प्रभाव भी समझ में आ सकते हैं। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई कि अब आपने उसके उपचार बता दिए, लेकिन लाइफस्टाइल भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जो हमें डिप्रेशन की ओर ले जाता है। बिल्कुल। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे सुझाव दीजिए, ऐसे टिप्स दीजिए जिनसे कि वो लोग अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह से मॉडिफाई करें या अपनी लाइफस्टाइल ही कुछ इस तरह की बना लें कि डिप्रेशन में जाने के पहले ही वो अपने आप को रोक सकें। बिल्कुल। यहाँ पे मैं आपको एक खास बात बता देना चाहूँगा कि डिप्रेशन में जाने का एक बहुत बड़ा कारण जेनेटिक हिस्ट्री भी होती है। अगर किसी व्यक्ति की फैमिली ट्री में किसी या उसके ब्लड रिलेशन में माता या पिता को डिप्रेशन रहा हो, तो उस व्यक्ति के डिप्रेशन में जाने के चांसेस काफ़ी प्रबल होते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाए। हाँ, अगर जीवन शैली में वो बदलाव कर ले या उसकी जीवन शैली स्वस्थ जीवन शैली, जैसे कि वो समय पे उठता है, समय पे सोता है, समय पे खाना खाता है, समय पे व्यायाम एक्सरसाइज करता है, तो निश्चित रूप से डिप्रेशन जैसी और बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। एक बात हमेशा याद ध्यान रखें आप कि स्वस्थ जीवन शैली में ना केवल अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छा पहनना ही नहीं होता है, बल्कि आपकी व्यसनों से दूर रहना भी एक बहुत बड़ा उसका एक बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर आप सिगरेट पीते हैं, आप अल्कोहल का सेवन करते हैं या आप किसी तरीके का नशा करते हैं, तुरंत उसको छोड़ दें, क्योंकि इनके दूरगामी प्रभाव बहुत घातक होते हैं। तो एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, पौष्टिक आहार लें, भरपूर नींद लें, कम से कम 8 घंटे की नींद लें। तनाव हर किसी के जीवन में आते हैं, तनाव से बचा नहीं जा सकता, तो तनाव को टैकल करने का आप तरीका सीखें, किस तरीके से तनाव को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे जिनको अपना के आप निश्चित रूप से काफ़ी हद तक इनसे बच सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर क्लिनिकल अगर जेनेटिक हिस्ट्री में वो सारी चीज़ें हैं, तो फिर ब्रेन में केमिकल इम्बेलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि आप कितनी भी हेल्दी हैबिट्स कर लो, अगर आपको होना है तो हो जाता है। तो वो क्लिनिकल माफ़ करें, अगर वो केमिकल इम्बेलेंस हो गया, जिसमें कि हमारे दिमाग में जो सेरोटोनिन, नोरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जब ये इम्बेलेंस हो जाते हैं, तो लाख अच्छी जीवन शैली के बावजूद भी व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, और उसके लिए फिर एक योग्य मनोचिकित्सक से इलाज कराना जरूरी होता है। जी, तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को भी ये जानकारी पसंद आई होगी, क्योंकि अवसाद एक ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं तनाव से उत्पन्न होता है, और तनाव हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं मौजूद होता है। अब यही है कि कोई तनाव को झेल लेता है, कोई उससे लड़ लेता है, और कोई उसके पीछे हार मान जाता है। तो हम यही चाहेंगे कि आप अपनी जीवन शैली को तो सुधारें ही सुधारें, लेकिन अगर उसके बावजूद आपको सुधार ना दिखाई दें, तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से किसी मनोचिकित्सक को दिखाने की ज़रूरत है। और ये निश्चित मानिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है, कि इसका इलाज संभव है और इससे आप ओवरकम कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये बीमारी ट्रीटेबल डिजीज़ है, और जिसका इलाज थोड़ा सा लंबा जरूर चलता है, लेकिन आप सच मानिए, अगर आप निश्चित अवधि तक दवाइयों का सेवन करते हैं, या अपने मनोचिकित्सक के उसमें रहते हैं, या साइकोथेरेपी का सहारा लेते हैं, या कोई अन्य दूसरी थेरेपी का सहारा लेते हैं, और अच्छी जीवन शैली अपनाते हैं, तो आप बहुत जल्दी इन सारी बीमारियों से उभर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब आपने जो बोनस टिप्स दी या बोनस चर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर आपके कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो हम अगले एपिसोड में डॉक्टर साहब से आपके प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।